नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नन्हे सिंह मंडी से सब्जी लाकर गांव में बेचने का काम करता था। उसका बेटा रवि सिंह भी इस काम में उसकी मदद करता था। लॉकडाउन के चलते रोजाना की तरह नन्हे सिंह उस दिन भी सुबह सब्जी खरीदने के लिए टुंडला मंडी गया था। सुबह 7 बजे सब्जी लेकर वह वापस घर लौट आया। तब तक घर के सभी सदस्य जाग गए थे, लेकिन घर में उसे अपनी बेटी कंचन सिंह दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पत्नी से पूछा, कंचन कहाँ है? तो पत्नी ने बताया कि छत पर सो रही है, अभी तक नीचे नहीं आई है। उसे उठाने के लिए रवि सिंह ने आवाज दिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर घरवाले छत पर गए, देखा चारपाई पर कंचन सिंह मुंह ढके सो रही थी। पास जाकर उसे हिलाया, लेकिन वह नहीं उठी। गौर से देखा तो कंचन सिंह मरी पड़ी थी। यह घटना 15 मई 2020 की है। कंचन सिंह की मौत की बात सुनते ही घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। नन्हे सिंह की बेटी की अचानक मौत होने से गांव में सनसनी फैल गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया। कुछ ही देर में पचोखरा थाना प्रभारी संजय सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कंचन सिंह के घर वालों ने आपसी रंजिश के कारण पड़ोसियों पर कंचन सिंह की हत्या करने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी ने इस घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी थी। कुछ ही देर में एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह और सीओ अजय सिंह चौहान फोरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर आ गए। कंचन सिंह की लाश देख उसकी माँ और बहनें बिलख बिलख कर रो रही थीं। उन्हें मोहल्ले की महिलाएं संभाल रही थीं। पुलिस अधिकारियों ने मकान की छत पर जाकर चारपाई पर पड़े कंचन सिंह के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम प्रभारी कुलदीप चौहान ने देखा, मृतका की गर्दन पर चोट का निशान था। मतलब कंचन सिंह की हत्या की गई थी, उसकी हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन मृतका के पिता नन्हे सिंह चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी की हत्या का आरोप पड़ोसियों पर लगा रहा था। पूछताछ में मृतका के भाई रवि सिंह ने बताया कि वह रात में पड़ोस में गया हुआ था। वहां एक लड़की को सांप ने काट लिया था। वहां से वह रात 12:05 पर घर आया। 12:15 छत पर गया। वहां बहन कंचन सिंह चारपाई पर सो रही थी। उस समय वह जिंदा थी या मर चुकी थी, उसे पता नहीं चला। वह छत से नीचे आकर सो गया। सुबह 7 बजे पता चला कि बहन की मौत हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में घर वालों से पूछताछ किया। पिता नन्हे सिंह ने बताया कि सभी लोग मकान के चबूतरे पर सो रहे थे। गर्मी की वजह से रात में कंचन सिंह घर की छत पर चली गई थी। सुबह वह मृत मिली। रात में सोते समय पड़ोसियों ने छत पर जाकर कंचन सिंह की हत्या कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया, फिर मौके की कार्यवाही निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि कंचन सिंह की हत्या गला घोंटने से हुई थी। पुलिस ने मृतका के पिता नन्हे सिंह की तहरीर पर गांव के प्रणवीर यादव, उसकी पत्नी गीता यादव, प्रबल कुमार यादव व पीपी यादव के खिलाफ हत्या की आशंका का केस दर्ज कर लिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पड़ोसी उससे व उसके परिवार से रंजिश रखते थे, इसके चलते बेटी कंचन सिंह की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी गई। नन्हे सिंह अपने परिवार के साथ जिला फिरोजाबाद के गांव जारखी में रहता था। उसके 5 बच्चों में बेटी गीता सिंह सबसे बड़ी थी। दूसरे नंबर का बेटा रवि सिंह था। इससे छोटी कंचन सिंह और शिवानी सिंह थीं। दोनों छोटी बहनें जवान थीं। नन्हे सिंह ने दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर दिया था। 29 जून को कंचन सिंह व शिवानी सिंह की बारात आनी थी। घर में खुशी का माहौल था और शादी की तैयारियां चल रही थीं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। सीओ अजय चौहान ने एसओजी टीम को भी इस घटना के खुलासे के लिए लगा दिया। एसओजी प्रभारी कुलदीप चौहान अपनी टीम सहित इस कार्य में जुट गए। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों बहनों कंचन सिंह व शिवानी की जून में शादी होने वाली थी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग को लेकर भी जांच किया, लेकिन उसे पता चला कि कंचन सिंह का किसी से कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। जांच के दौरान पता चला कि मृतका कंचन सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिस पर कंचन सिंह की अक्सर बात होती थी। उस नंबर पर बात भी काफी देर तक होती थी। पूछताछ पर पता चला कि यह नंबर कंचन सिंह के जीजा भूरा सिंह का था। इस पर पुलिस ने मृतका के घर वालों से गहनता से पूछताछ किया। पुलिस को पता चला कि नन्हे सिंह के 5 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी गीता सिंह शादीशुदा है। उसकी शादी आगरा के थाना क्षेत्र गांव लड़ामदा में भूरा सिंह के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। वह पिछले 2 माह से अपने मायके जारखी में रह रही थी। इसके बाद पुलिस ने गीता सिंह और उसके पति भूरा सिंह के संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर नहीं थे। छोटी बहन कंचन सिंह अपने जीजा से अक्सर मोबाइल पर बात करती थी। पुलिस ने इस पहलू पर भी जानकारी जुटाई कि कहीं जीजा साली के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही थी, कहीं कंचन सिंह पति पत्नी के बीच रोड़ा तो नहीं बन रही थी। मृतका के पिता ने पड़ोस के 4 लोगों पर शक जताते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस और एसओजी टीम ने जब मामले की गहनता से जांच की तो बात कुछ और निकली। बड़ी बहन गीता सिंह ने खून के रिश्तों को कलंकित होते देख अपनी छोटी बहन कंचन सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने 20 मई 2020 को बड़ी बहन गीता सिंह को छोटी बहन कंचन सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गीता सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गीता सिंह ने बहन की हत्या की जो खौफनाक कहानी बताई वह इस तरह थी। गीता सिंह की शादी 7 से 8 साल पहले हुई थी। छोटी बहन कंचन सिंह से पति भूरा के संबंध होने का गीता सिंह को शक था। शक की बुनियाद यह थी कि दोनों मोबाइल पर घंटों बात करते थे। इसके चलते उसे दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का शक हो गया था। गीता सिंह ने पति से कई बार कंचन सिंह से बात करने को मना किया, लेकिन उसका पति कंचन सिंह को लेकर उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। पिछले 2 महीने से गीता सिंह अपने मायके में रह रही थी। उसने देखा कि यहाँ भी उसके पति और बहन कंचन सिंह के बीच काफी देर तक बातें होती थीं। दोनों मोबाइल पर चिपके रहते थे। यह बात गीता सिंह को नागवार गुजरती थी। घटना से 1 दिन पहले भी गीता सिंह का कंचन सिंह से विवाद हुआ था। गीता सिंह को यह बात बुरी लगती थी कि शादी तय हो जाने के बाद भी कंचन सिंह उसके पति से बात करती रहती है। गीता सिंह को शक था कि जीजा से बात करने के लिए कंचन सिंह गर्मी का बहाना कर छत पर चली गई है। वह रात में उसके पति से बात करेगी। उस दिन रात के समय उसका भाई रवि सिंह भी मोहल्ले में चला गया था। अच्छा मौका देखकर गीता सिंह छत पर गई। उस समय कंचन सिंह चारपाई पर गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए उसने छत पर अकेली सो रही कंचन सिंह का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने गला इतनी जोर से दबाया कि कंचन सिंह की चीख भी नहीं निकल सकी। हत्या के बाद वह दबे पांव नीचे आकर सो गई। सुबह कंचन सिंह की मौत की खबर पर दुख जताते हुए वह भी रोने का नाटक करती रही। पुलिस ने गीता सिंह को बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जीजा और साली का रिश्ता हंसी मजाक का होता है। जीजा से मोबाइल पर हंस हंस कर बात करना ही कंचन सिंह की मौत का कारण बन गया। गीता सिंह को अपनी बहन के चरित्र पर शक हो गया था, लेकिन शक दिनों दिन इतना गहराता गया कि अंततः उसने उसकी हत्या कर दिया। पुलिस ने युवती की हत्या की गुत्थी का घटना के 5 दिन बाद ही खुलासा कर दिया। गीता सिंह ने शक के चलते अपना परिवार उजाड़ लिया। नन्हे सिंह के घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।